जो उम्र में लोग भगवान के पास जाना समय होता है वो समय पार्थो चटर्जी गर्लफ्रेंड लेते हैं, पता नहीं कौन सा टेबलेट खाते हैं, पता नहीं कौन सा टेबलेट खाते हैं, शिक्षक को नौकरी देते हैं और करोड़ करोड़ रुपया का बंडल पार्थो चटर्जी का गर्लफ्रेंड का घर से बरामद होता है। आप लोग सोचिए, शिक्षा मंत्री है, देश को शिक्षा देना है, लेकिन उनका मकान में उनका घर में नोटों का पहाड़ होते हैं। और आप लोग देखिए उनका उम्र क्या है, उस उम्र में वो गर्लफ्रेंड लेके घूमता है। आप लोग सोचिए, जो उम्र में लोग भगवान के पास जाना समय होता है वो समय पार्थो चटर्जी गर्लफ्रेंड लेते हैं, पता नहीं कौन सा टेबलेट खाते हैं, पता नहीं कौन सा टेबलेट खाते हैं। असम से ममता दीदी पेट्रोल का दाम ज्यादा लेते हैं, डीजल का दाम ज्यादा लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी भंडार कम देते हैं। इसीलिए बीजेपी सरकार जब बनेगा हम आप लोगों को अन्नपूर्णा भंडार देगा, 3000 रुपया करके हम आप लोगों को अन्नपूर्णा भंडार देगा। अपनारा सबाई भालो तो पूरा एकदम, तो मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे उम्मीदवार अशोक पुरकायत जी, हमारे जिला अध्यक्ष नवेंदु नास्कर जी, अरुण जैना जी, हरिकृष्ण दत्त जी, कौशिक दास जी, नवारुण नायक जी, दीपांकर जाना जी, अजय कुमार रॉय जी, विश्वरूप भट्टाचार्य जी, राकेश कुमार दास जी, माइयों बहनों पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2019 सन में जब लोकसभा चुनाव हुआ था मैं खुद मथुरापुर में था और मथुरापुर में मैं शायद 10 से 15 दिन में यहाँ में रुका था। मेरा मालूम है 2016 सन में जो हमारे उम्मीदवार थे, ये हमारे उम्मीदवार था तपन नास्कर जी, और उनको खाली 66,000 वोट मिला था, 66,000। लेकिन 2019 में हमारे जो पार्टी थे श्यामा प्रसाद हल्दार जी, उनको 5,22,000 वोट मिला था, 5,22,000 वोट मिला था। मतलब 5 साल में हमारा 70,000 से 5.5 लाख प्रमोशन हो गया था एक ही बार में। इस बार हमारा और प्रमोशन होगा और अशोक पुरकायत जी जीतेगा ही जीतेगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। जीतेगा कि नहीं जीतेगा, जीतेगा कि नहीं जीतेगा। भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। इस बार भारत का लोगों को ये तमन्ना है मोदी जी को 700 सीट देना। सब लोगों ने ये मानकर चुका है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा, 700 सीट लेके मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे ममता दीदी बोलते हैं कि मोदी को 700 सीट क्यों चाहिए, कांग्रेस भी पूछते हैं मोदी को 700 सीट क्यों चाहिए। मतलब अगर मोदी को 399 सीट मिलते हैं उनका कोई आपत्ति नहीं है, 399 में खुश है, लेकिन 700 सीट मिलने से ही वो लोग नाराज है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं हमें 700 सीट क्यों चाहिए। जब मोदी जी को 300 सीट मिला तब मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ कि नहीं हुआ,
अभी हमारे और दो मंदिर मथुरा अयोध्या और काशी, मथुरा में क्या हुआ था, हमारे कृष्ण का जन्म हुए थे, लेकिन कृष्ण का जन्मभूमि में औरंगजेब ने कृष्ण का जन्मभूमि में ही शाही ईदगाह बना के रख दिया है। और हमारे काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, एक्चुअली वो ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने हमारे काशी में ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था। मोदी जी को जब 400 सीटें मिलेंगे, इस बार मोदी जी मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनाएगा और काशी में भी ज्ञानवापी मंदिर बनाएगा। भाई और बहनों, आज हमारे जो कश्मीर है, ये कश्मीर दो टुकड़ा में है, एक टुकड़ा भारत का साथ है, दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान का साथ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्टिकल 370 हटाने के लिए अपना जीवन बलिदान दिया था। हमने 372 हटा दिया, लेकिन एक कश्मीर अभी भी पाकिस्तान में है। एक बार मोदी जी को 400 सीट मिल जाते हैं, हम पाकिस्तान में जो कश्मीर था है, इसको भी हम भारत लेके आएगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, मथुरापुर में कैसे पीएम आवास में घोटाला हो रहा है, कैसे मथुरापुर में पेड़ काट रहा है, कैसे तृणमूल का लोग मथुरापुर में अत्याचार कर रहा है, इसका बारे में अशोक जी ने आप लोगों को बताया। भाई और बहनों, परसों दिन सुबह मैं जब कलकत्ता आया था, पहले मैं संदेश खाली गया, मैं पहले ही मैं सोचा कि संदेश खाली का बारे में इतना न्यूज आ रहा है, मुझको एक बार खुद संदेश खाली जाना चाहिए। मैंने संदेश खाली किया और माँ और बहनों से बात किया, वो लोगों ने जो बात बताया ना, सुन के मन दुख से भर हो गया। ये लोगों का ऊपर संदेश खाली में आज माँ का ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहनों का ऊपर अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती घर कब्जा कर रहा है, जबरदस्ती महिलाओं का सम्मान का साथ खिलवाड़ कर रहा है। किसने कर रहा है? शेख शाहजहां जैसा गुंडा ने, लेकिन ममता दीदी ने ये गुंडा का ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। मैं काल कलकत्ता में बताया, अगर ये शेख शाहजहां असम में होते थे, मैं 10 मिनट में उनका हिसाब साफ कर देते थे, मैं 10 मिनट में उनका हिसाब साफ कर देते थे। लेकिन आज दीदी को आपका वोट नहीं चाहिए, आज दीदी को हमारा वोट नहीं चाहिए, दीदी को खाली शाहजहां का वोट चाहिए। मैं दीदी को बोलना चाहता हूं, अगर आप शाहजहां का ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हो, तो शाहजहां को खाली 26 घंटा के लिए मेरा हाथ में दे दो, मैं उनको आसाम ले जाऊंगा और उनका हिसाब में बराबर कर दूंगा। भाई और बहनों, आज दीदी ने क्या कर रहा है आपको मालूम है? आपका जो मीठा पट्टा पान है ना, ये आसाम में भी जाते हैं, बहुत जाते हैं और बहुत अच्छा लगते हैं। आप देखिए आसाम में पेट्रोल का दाम कितना रुपया है और पश्चिम बंगला में पेट्रोल का दाम कितना रुपया है।
आप लोग कोई बता सकता है मथुरापुर में पेट्रोल का लीटर कितना रुपया है? 104 रुपया, 6 रुपया। मथुरापुर में पेट्रोल का दाम 106 रुपया, 104 रुपया जो भी होगा होगा। लेकिन असम में पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा प्रदेश है, मेरा असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन पश्चिम बंगला में पेट्रोल का लीटर 104 रुपया है और असम में पेट्रोल का लीटर खाली 96 रुपया है, 96 रुपीज है। आप लोग देखिए, ममता दी बोलते हैं कि वस्तु का दाम बढ़ा है, लेकिन दाम किसने बढ़वाए है? आज असम में डीजल का दाम बंगाल से 3 रुपया कम है, पेट्रोल में 7 रुपया कम है और डीजल में 3 रुपया दाम कम है। लेकिन होना क्या चाहिए था? बंगाल में कम होना चाहिए था, असम में ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। कारण मोदी जी लोगों को, असम में बीजेपी सरकार है, यूपी में बीजेपी सरकार है, मोदी जी लोगों को सस्ता में पेट्रोल डीजल दे रहा है और ममता दीदी आप लोगों से 6-7 रुपया 1 लीटर पेट्रोल में ज्यादा दाम ले रहा है। भाई और बहनों, ममता दी बोलते हैं मैं माताओं को लक्ष्मी भंडार दिया। लक्ष्मी भंडार कितना रुपया का था? पहले था 500 रुपया का, है ना? अभी 1000 रुपया किया इलेक्शन का पहले। लेकिन असम में लक्ष्मी भंडार कितना रुपया मिलते हैं? असम में लक्ष्मी भंडार 1250 रुपया मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में 1000 रुपया मिलता है और असम में लक्ष्मी भंडार 1250 रुपया हर महीना मिलते हैं। आप देखिए, पश्चिम बंगला एक बड़ा प्रदेश है, असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन असम में लक्ष्मी भंडार है 1250 रुपया का और पश्चिम बंगला में हमारा लक्ष्मी भंडार है 1000 रुपया। हमारा जब बीजेपी सरकार आएगा पश्चिम बंगला में, हम लोग हर महीना लक्ष्मी भंडार 3000 रुपया करने का काम करेगा, 3000 रुपया। आज आप लोग देखिए, अगर असम में 1250 है, यहां में तो 2500 होना ही चाहिए। असम 4 गुना छोटा प्रदेश है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगला से। लेकिन अगर असम 1250 रुपया लक्ष्मी भंडार में देते हैं, तो पश्चिम बंगला तो 2500 देना चाहिए। असम से ममता दीदी पेट्रोल का दाम ज्यादा लेते हैं, डीजल का दाम ज्यादा लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी भंडार कम देते हैं। इसीलिए बीजेपी सरकार जब बनेगा, हम आप लोगों को अन्नपूर्णा भंडार देगा, 3000 रुपया करके हम आप लोगों को अन्नपूर्णा भंडार देगा। भाई और बहनों, हमारा पश्चिम बंगला में लोगों को नौकरी नहीं मिलते हैं, सक्री बकरी किसी को नहीं मिलते हैं, गरीब को तो कुछ नहीं मिलते हैं। हमारा असम में बीजेपी का सरकार आया, मोदी जी ने मुझको बोला कि पहला साल में ही तुमको 1,00,000 नौकरी देना है और 5 साल में तुमको 2,00,000 नौकरी देना है। पहले मैं सोचा था कि मैं सकूंगा कि नहीं सकूंगा, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद में मैं पहला साल में ही 1,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का मैंने काम किया। 1 पैसा मैंने नहीं लिया, सबको
स्टेडियम में बुलाया और एक एक करके अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में उठा दिया। किसी से पैसा नहीं लिया, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में ममता दी खाली 23,000 शिक्षक को नौकरी देते हैं और करोड़ करोड़ रुपया का बंडल पार्थ चटर्जी का गर्लफ्रेंड का घर से बरामद होता है। आप लोग सोचिए, शिक्षा मंत्री है, देश को शिक्षा देना है, लेकिन उनका मकान में उनका घर में नोटों का पहाड़ होते हैं। और आप लोग देखिए उनका उम्र क्या है, उस उम्र में वो गर्लफ्रेंड लेके घूमता है। आप लोग सोचिए, जो उम्र में लोग भगवान के पास जाना समय होता है, वो समय पार्थ चटर्जी गर्लफ्रेंड लेते हैं। पता नहीं कौन सा टेबलेट खाते हैं, पता नहीं कौन सा टेबलेट खाते हैं। और जब पुलिस लेके जाते हैं तो ऐसे वो ऐसे सिंबल दिखाता है पुलिस को कि लाफ का सिंबल दिखाता है। उनका जो उम्र है वो समय पूरी जगन्नाथ में जाने का समय है, मथुरा वृंदावन का जगह में जाने का समय है, वो गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है। आप लोग सोचिए, जरूर टीएमसी का ऑफिस में जरूर कुछ टेबलेट होगा जिससे लोगों का उम्र कम हो जाते हैं और गर्लफ्रेंड ले सकता है 70 साल का उम्र में भी। भाई और बहनों, आज तृणमूल क्या कर रहा है, हमारा पूरा देश को, हमारा पूरा पश्चिम बंगला को शेख शाहजहां जैसा व्यक्तियों का हाथ में हवाला कर रहा है। आप लोगों को मैं एक छोटा कहानी बताऊंगा। आज हमारे जब मैंने पहले मुख्यमंत्री बना, मेरा पास एक ऑफिसर ने एक फाइल लेके आया। फाइल में क्या था, मैंने ऑफिसर को पूछा यह क्या फाइल है, बोले साहब ये मद्रासा स्कूल में तंखा देना है इसलिए आपका दस्तखत चाहिए। मैंने ये ऑफिसर को पूछा मद्रासा का मतलब क्या होते हैं, बोले सर स्कूल होते हैं। मैंने ऑफिसर को पूछा क्या मद्रासा से डॉक्टर बनते हैं, बोले नहीं बनते हैं। इंजीनियर बनते हैं, बोले नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं, बोले मुल्ला बनते हैं। आप लोग देखिए, मैंने ऑफिसर को बोला क्या मुल्ला बनाने का काम क्या सरकार का है, आप आज ही ये मुल्ला बनाने वाला दुकान बंद कर दो, सारे मद्रासा आज ही बंद कर दो। हमने सारा मद्रासा बंद कर दिया, हमने मद्रासा को स्कूल बनाया और स्कूल से आज डॉक्टर बन रहा है, आज इंजीनियर बन रहा है। हमने मुल्ला बनाने वाला दुकान हमने बंद कर दिया असम में कि ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन ममता दीदी वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसलिए, ममता दीदी को आपका वोट नहीं चाहिए, ममता दीदी को खाली शाहजहां का वोट चाहिए। ममता दीदी आपको लक्ष्मी भंडार देते हैं, लेकिन संदेश खाली में ही आपका सम्मान हानि करने के लिए शाहजहां को लाइसेंस देते हैं। माताओं और बहनों, हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए, हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए। आज आप लोग देखिए, हमारा असम में 40% मुसलमान है, 40% मैं मुसलमान जातगा में जाता हूं, मैं माँ को पूछता हूं कि माँ आप कैसे हैं, अपना भालो, माँ बोलते हैं फालतू सिलाम। लेकिन एक सप्ताह आगे मेरा हस्बैंड ने और एक शादी कर लिया, अभी मैं दुखी दुख हूं। दूसरा का पास जाता हूं, नहीं नहीं मेरा हस्बैंड ने 2 शादी कर चुका है। तीसरा का पास जाता हूं, मेरा हस्बैंड 3 शादी कर चुका है। चौथा का पास जाता हूं,
मेरा हस्बैंड 60 शादी कर चुका है। आप लोग बोलिए, एक पति को क्या 60 शादी करना चाहिए? चाहिए? एक पति को दोबारा शादी करना चाहिए? लेकिन आप लोग देखिए, आज हमारा एक कौम का लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 शादी करने का अनुमति दिया जाते हैं। इस बार आप लोग हमें 400 सीट दीजिए, हमें 4 शादी करना, दुकान भी हमें बंद करना है, हम इस दुकान को भी हमें बंद कर दूंगा। भाई और बहनों, हमारा देश में आज जो कुछ भी हो रहा है, ये देश को ठीक करने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। हमारा देश में मद्रासा शिक्षा का जगह में एक्चुअल शिक्षा व्यवस्था लाना है। हमारा देश में गरीबों के लिए काम करना है। आज प्रधानमंत्री जी ने गरीब के लिए चावल भेजते हैं। हर महीना हम फ्री 5 kg चावल मिलता हो। असली घर में लक्ष्मी कौन भेजते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी भेजते हैं। हर महीना 5 kg चावल देते हैं। हमको रहने के लिए हमारे लिए घर देते हैं, लेकिन तृणमूल का दलालों ने वो घर का पैसा भी खा जाता है, गरीब को घर भी नहीं देते हैं। भाई और बहनों, माताओं को चावल बनाने के लिए मोदी जी गैस देते हैं, मोदी जी घर में जल देते हैं, मोदी जी हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देते हैं, मोदी जी गरीबों को चिकित्सा के लिए हर साल 5 lakh रुपया आयुष्मान भारत कार्ड देते हैं। लेकिन हमारा पश्चिम बंगला में हमारे ममता दीदी ने ये सब सारे स्कीम आप लोगों का पास आने नहीं देते हैं। एक बार हमारा पश्चिम बंगला में डबल इंजन सरकार हो जाते हैं ना, हर गरीब को मकान भी मिलेगा, हर गरीबों को जल से पानी भी मिलेगा, हर गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड भी मिलेगा। आज आप लोग जानते हैं, मैं दोबारा असम का बात बोलता हूं, हमारा असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन असम में जब लड़की हायर सेकेंडरी पास करते हैं, उनको हम कॉलेज जाने के लिए सरकार से स्कूटी देता हूं। लड़की को यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए एडमिशन फ्री होता है, किताब फ्री होते हैं, हॉस्टल मेस ड्यूज फ्री होते हैं, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हमें 25,000 रुपया लड़की को हाथ खर्चा भी हम लोग देता हूं। लेकिन आज पश्चिम बंगला में इतना रुपया होने का बावजूद हमारा गरीब लोगों को कुछ स्कीम नहीं मिलते हैं। मथुरापुर में इतना बढ़िया मीठा पट्टा होते हैं, लेकिन मीठा पट्टा को रखने के लिए आपका पास कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था भी नहीं है, आप लोगों को दाम भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमें अशोक पुरकाई जी को जिताना है और मथुरापुर का गरीब को आवास देना, मथुरापुर का गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड देना, मथुरापुर में विकास का काम करना, ये हमारा कर्तव्य होगा और ये सारे काम हम लोग करके दिखाऊंगा। भाई और बहनों, एक बार अशोक जी को आप लोग वोट दीजिए, तब हम गंगा सागर में भी नया ब्रिज बनाने का हम लोग काम करेगा, ये भी मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं। आज आप लोग देखिए, हमारे मंदिर घाट से पंडर घाट तक हमको ब्रिज होना चाहिए, लेकिन हमारा ब्रिज नहीं है। अशोक जी को वोट दीजिए,
हम लोग को भी ब्रिज बना के आप लोगों को देने का हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, अशोक को एक बार वोट दीजिए, मथुरापुर में मोदी जी का एमपी बनाइए, गरीब का लक्ष्मी भंडार भी 3000 रुपया होगा, गरीब को रेशन भी मिलेगा बिना कटनी छटनी के, गरीब को पीएम आवास का मकान मिलेगा, किसी को घोष देना नहीं है। मथुरापुर का गरीब को पीएम आवास, पीएम आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा, 5 लाख रुपया तक हम चिकित्सा कर पाएगा, और मथुरापुर का गरीब को हम लोग जल से पानी देने, नल से जल देने का भी हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, एक बार हमारा पश्चिम बंगला में बीजेपी का सरकार बन जाते हैं ना, हम शेख शाहजहां जैसा लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा कि संदेश खाली का नाम भी वो लोग लेने का भविष्य में हिम्मत नहीं करेगा, ये भी हमारा आप लोगों से वादा है। भाई और बहनों, लास्ट टाइम आप लोगों ने हमको बहुत वोट दिया, 2 लाख वोट कम रह गया, लेकिन 7000 से 5.5 लाख वोट, मतलब आप लोगों ने हम लोगों को लास्ट चुनाव में 5 लाख वोट ज्यादा दिया। लास्ट टाइम आप लोगों ने 5 लाख वोट ज्यादा दिया, इस बार खाली 1.5 लाख वोट ज्यादा दीजिए, अशोक जीत के दिल्ली पहुंच जाएगा। खाली 1.5 लाख वोट ज्यादा चाहिए, देगा कि नहीं देगा? 1.5 लाख वोट देना है कि नहीं देना है? संदेश खाली का बदला लेना है कि नहीं लेना है? हमारे लक्ष्मी भंडार 3000 रुपया करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो आप लोग सब मिलके अशोक पुरकाइट को जिताइए, और रामलाला का आशीर्वाद से हम पश्चिम बंगला में भी हम समाज का जो अशुभ शक्ति है सारे लोगों को हम हटा के पश्चिम बंगला में भी हम सनातनी संस्कार से देश को आगे लेके जाएगा, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझको मौका दिया, अपनारा सबाय हमके दो शब्द बोलार जन्य सुविधा दिलो, और जन्य আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার কথা এই জায়গায় শেষ করেছি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।